को जो कामगार जिन लोगों ने अपने अपने 10 से 20 साल दिए हैं इसी नौकरी में, उसके बावजूद भी इनको धमकाया जा रहा है कि अगर आप प्रदर्शन बंद नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। कौन सर आपको धमका रहा है? दिल्ली को इस बात से हम ही लोग बनाते हैं, नंबर वन का इंडियन सी बनाते हैं, उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इन लोगों के सामने समस्याएं हैं, बहुत सारी इनके सामने समस्याएं हैं नौकरी को लेकर के, और यहाँ तक कि 40 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 40 दिन से आपकी जो मांगे है जो आपकी मांगे है, हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि आर बार से सही करने के लिए मांग हमारी, सैलरी को लेकर आपकी कुछ मांग है कि जी सर परमानेंट हो जाएंगे तो आपकी जो मांगे है वो केंद्र सरकार से या दिल्ली सरकार से है? हमारी ऑटोनोमस बॉडी जो सारे हमारी काउंसिल बैठे सरकार ने यह कह दिया है जो न्यूनतम सैलरी होगी वो लगभग 16,000 रुपए होगी, उसके बावजूद भी आपको जो सैलरी दी जा रही है 12,000-13,000 रुपए दी जा रही है, ऐसा क्यों सर हो रहा है? हमारे समझ नहीं पा रहे हैं क्यों हो रहा है, इसमें आप किसकी गलती बताना चाहिए, केंद्र सरकार की या दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार ने तो लागू कर दिया है भाई 16,000 रुपए आपको देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको 13,000 रुपए 12,000 रुपए आप बता रहे हैं, ये दिल्ली सरकार दे रही है, कौन से इसको दे रहा है? ये हमारे प्रशासन की सारी प्रशासन हमारे हमें 12,000 चीज का आपको क्या लगता है सर? लेकिन प्रशासन से हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन कोई उम्मीद नहीं है, ना ही हमारे दूसरे मेंबर एनडीएमसी पांच मेंबर है, चार बीजेपी के हैं, एक हमारे पार्टी का है, दिल्ली का सीएम या पी का सीएम अधिकारी है, 6 बार सेक्रेटरी है, अभी तक हमारे बीच कोई नहीं आया। आरएमआर के विषय में किसी ने बात नहीं करी है, केवल और केवल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों को केवल दबाने की डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, कह रहे साइड पर मत जाओ, धंधा मत करो, आप काम करो, आप काम बंद मत करो, आप एक बार बताइए सर, इन कर्मचारियों को लगभग 15-16 साल हो गए जी, इनकी एज 55 साल 50 साल, जो 5 साल में बोल रहे हैं 5 साल की नौकरी भी इनकी मिलने वाली नहीं है, एक यंग सीनियर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4,000 कर्मचारी है कि इनके सामने कितनी सारी समस्याएं हैं, दिल्ली सरकार यहाँ तक कि केंद्र सरकार का कोई भी सदस्य इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों है? हमारे देश में जब हम बात करते हैं मजदूरों की तो मुद्दा उठता है कि मजदूरों के ऊपर सरकार इतना ध्यान दे रही है, इतना वो मजदूर के लिए कर रही है, ये योजनाएं चला रही है, वो योजनाएं चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की राजधानी में इतना प्रोटेस्ट, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं, किसी
इसलिए ताकि उनकी जो नौकरी है पिछले जिस भी फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं उसको नौकरी को पक्का कर पाए और उनकी जो सैलरी है वो बढ़ पाए। जो सैलरी है वो न्यूनतम सैलरी यानी कि 16,000 रुपए से भी कम है। तो दोस्तों हम एक और हमारे साथ शख्स मौजूद है प्रशासन का हमारे साथ सुनना चाहिए। हमने हमेशा प्रशासन को नहीं काम किया है, जिस बात का प्रशासन को हमेशा दबाने सवारने का काम किया है। सर हमारे यहाँ सरकार हमारी हमारे साथी आम आदमी सरकार की तरफ से आम आदमी सरकार में तो कोई भी अगर सदस्य है दिल्ली सरकार है आपका तो वोट जाता होगा सरकार को दिल्ली गवर्नमेंट का वोट देने के बावजूद भी आपकी समस्याओं को नहीं सुन रहा है। प्रशासन आपकी सत्ता करना अपने में खुद सरकारी हटाइए। मुझे लगता है शायद आप हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे में शायद चोरी करते हैं हमारे साथ अरे मैं मेहनत करता हूँ अपनी सब मजदूर लोग हैं, सब आप कामगार लोग हैं, आप अपना रोजमर्रा का काम छोड़ के 40 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों सर आप ऐसा क्यों आप कर रहे हैं कि आप 40 दिन की आपकी बिजली तो कहीं इनकम हुई नहीं होगी तो आपने कुछ किया नहीं, उसके बाद भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो इन 40 दिनों में क्या आपका शेड्यूल रहा है सर? 12-13 हजार रुपये में तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, 12-13 हजार रुपये सैलरी मिलती है, बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे से परवरिश दे पा रहे हैं, तो अब हताश हो गए। हमने ये 40 दिन में बांधा रखा है कि अब हमारी सुनवाई हो और हमने काम बंद करा रखा है, उसके बावजूद हमारे पास परेशान रहता है। किस तरह का हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अगर आप अपनी देखिए दोस्तों इन लोगों को जो कामगार जिन लोगों ने अपने अपने 10 से 20 साल दिए हैं इसी नौकरी में उसके बावजूद भी इनको धमकाया जा रहा है कि अगर आप प्रदर्शन बंद नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। कौन सर आपको धमका रहा है? दिल्ली को इस बात से भी हम ही लोग बनाते और नंबर 1 का इंडियन सी को लाते हैं, उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इन लोगों के सामने समस्याएं हैं, बहुत सारी इनके सामने समस्याएं हैं नौकरी को लेकर के, और यहाँ तक कि 40 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 40 दिन से मतलब समझ गए कि एक महीने से ज्यादा हो जा चुके हैं, लगभग इनके पास कोई काम भी नहीं है। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दोस्तों नारी शक्ति की आवाज यहाँ सुन रहे हैं, ये सब दिल्ली की सशक्त नारी है। देखिए दोस्तों यहाँ आप दिखा सकते हैं कि पुरुष भी उसी संख्या में बैठे हुए हैं और हमारी जो माता बहनें हैं वो भी बराबर की संख्या में एकदम कंधे से कंधा मिलाए खड़ी हैं, वो भी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाह रही है। तो आप क्या कहना चाह रही है, 40 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं और आपका जो खुद का काम है बच्चे ये सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप सरकार के लिए इसको कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी आज क्या हुई पता है, मम्मी सेकंड ईयर की कॉलेज की फीस आ रही है, अरे बेटा फिर बताओ क्या करूँ, तो कह रही मम्मी ये बताओ मेरे को कहना ही है, फिर मैं बेटा क्या करूँ काम पे लौट जाओ, मम्मी कहती बेटी यदि नहीं बैठ मम्मी आप धरने में बैठो किसी ना किसी ने घर वाली नहीं अपनी फीस जमा करेंगे, आप बताओ उन्होंने 2 साल से कहा करना आठ बजे काम हो जाए, लेकिन 2 साल से नहीं किसी घर लेकिन अब मेहनत के लिए दुनिया मजबूर अंदर उसको आप सुन पा रहे हैं। मैम कह रही है कि इनकी बेटी कॉलेज की फीस के लिए कह रही है कि मम्मी आप धरने पे जाइए, आप अपना हक लीजिए, हम जो है अपनी फीस जमा करेंगे।
मैम पहली बात मैं आपकी जो बेटी है उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के सामने हम लोग इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और आपका जो मुद्दा है सरकार इस पे पूरा का पूरा सहयोग करेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा अगर आपकी मांगे सही है तो हमारी मांगे सही है और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने प्रशासन से मोदी सरकार से बीजेपी आम आदमी पार्टी से सभी हाथ जोड़ते हुए निवेदन करती हूँ कि प्लीज हमारी मांग पूरा कर दो। यहाँ के बहुत परेशान बंदे हैं जिनकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है और वो यहाँ के घरों में बेकार शादी की गई है और इसके घर में बहुत कुछ काम है। आपको तो पता ही है कि 12,000 में घर कैसे चलाते हैं, कैसे मेंटेनेंस करने के लिए सभी को पता है। मैं अपने सभी